मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं विश करना चाहता हूं। A very, very happy Independence Day. Congratulations, India. We're going ahead and it's great to have one more year of freedom. Thank you, Talia. ये सवाल मुझसे कितनी बार पूछा गया है कि मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ, क्यों हूँ? तो मैंने ये सोचा कि आज इस मसले को खत्म कर ही देते हैं। तो मैं मेरे साथ हमारी ब्यूटीफुल गॉर्जियस को होस्ट को लाया हूँ, मिनीषा लांबा जी। मिनीषा लांबा जी? जी 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 जी। एक मिनट, एक मिनट, आप मुझे सिर्फ मिनीषा बुलाएं। मिनीषा, मैं आपको सलमान जी बुलाऊंगी। अच्छा, ये मिनीषा मेरा साथ देंगी हर कदम इन दस का दम। ये मेरी को-होस्ट बनेंगी, ये मेरी को-होस्ट बनेंगी, ये मेरी को-होस्ट बनेंगी, ये मेरी। स्टॉप, आगे बढ़ते हैं। मैं आपके पीछे आता हूँ मैडम। अभी ऐसा मिनीषा, आप यहाँ पे खड़े होके थोड़ा सा वॉच करें, देखें, ऑब्जर्व करें। मैं देखूंगी आपको, क्योंकि यू आर द बेस्ट। आप इस शो के बेस्ट हो सलमान जी। स्वीट, मुझे ये दस का दम बहुत अच्छा लगता है। हर एक कोई आके मेरी तारीफ करके जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे दो सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स हैं जो आएंगे और हमारे साथ खेलेंगे, और एक है लेडीज और एक है अलैरा। तो पहले पहले लेडीज को बुलाएं। जी हाँ, तो प्लीज वेलकम द लवली, द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, द स्वीट कौन, दीपिका पादुकोण। आइए, तो दीपिका, अब हम हमारे हैंडसम, डैशिंग, डेबनर यंग मैन, गॉर्जियस, जिसको प्यार करने को हर कोई हो जाता है मजबूर, प्लीज वेलकम मेस्टर रणवीर कपूर। रणबीर कपूर। रणबीर, वी आर शूटिंग इन आरके स्टूडियो। सर, सलमान सर, आपकी इजाजत है मैं एक स्मॉल फैक्ट बताना चाहूँगा। जी, हम आरके के फ्लोर नंबर 1 में हैं। जी, तो इसी फ्लोर में मेरे दादाजी श्री राज कपूर ने जी आवारा में ड्रीम सीक्वेंस फिल्म किया था। फिर मेरे वालिद श्री ऋषि कपूर ने बॉबी का पहला शॉट भी दिया था। और आज आपकी वजह से और सोनी एंटरटेनमेंट और दस का दम की वजह से ये मेरा पहला दिन है जब मैं आर के फिल्म्स एंड स्टूडियोज में शूट कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच जी। लेकिन खेलने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि ये जो आपकी फिल्म लगी आज, बचना ए हसीनो, रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मेरी भी पिक्चर आज ही लगी है। गॉड टू सी ग्रेट हो। वो तो पता ही चल गया है कि आपके जो जो आपकी जो इनिशियल है, जो आपकी जो ओपनिंग है,
और जो आपकी तारीफ हुई है इस पिक्चर में, इट इज फैंटास्टिक. और आपकी भी. ये मेरे साथ को होस्ट नहीं, ये आई हैं विथ रणबीर एंड विथ दीपिका. और आपको एक अच्छा काउच या सोफा दे दूं वहाँ पे? That looks fantastic. आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ. आइए, संभल के. मैं यहाँ पे चार बार फिसल चुका हूँ ऑलरेडी. संभल गए जी. जी हाँ. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फिल्म? वेल, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमने यू नो एक साल इस फिल्म में बहुत मेहनत की, बहुत लगन से काम किया. और जब यू नो लोगों को आपका काम अच्छा लगता है, फिल्म अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली यू नो इट्स होपफुली इट टर्न आउट टू बी माय फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस. आपको क्या लगा? वेल, ये मेरी दूसरी फिल्म है जी. तो बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करने में. और सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू. आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बी वर्किंग विद यू. थैंक यू. अगर if this height difference doesn't matter, so sir, I'm wearing heels now, sir. And he doesn't call me sir. Ji, so which is your favorite song? मेरे ख्याल से खुदा जाने, because I think it's a very romantic song. इस गाने का के lyrics बहुत ही romantic है और simple है. तो बजाए वो गाना. खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा. तालियां. तालियां. सुपर. कंग्रेचुलेशंस. तो आप तैयार हैं नॉकआउट राउंड खेलने के लिए? बहुत सिंपल सा खेल है रणबीर. यस. yes. आपको दीपिका को नॉकआउट करना है. ओके. okay. और दीपिका आपको रणबीर को नॉकआउट करना है. जो प्रश्न मैं आप दोनों से पूछूंगा, जो जवाब हैं वो इस मिस्टर एलजी में फीड हुए हैं. आइए खेलते हैं दस का दम. आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय अपने कमरे में सिर्फ तौलिया पहनकर नाच चुके हैं? क्या आप अपने कमरे में तौलिया पहनकर नाच चुके हैं? रोज. अपने कमरे में तौलिया पहनकर नाच चुके हैं आप? यस सर. जब आप अपने कमरे में, तो तौलिया की क्या जरूरत है? इसे मैं गिरा देता हूँ सर. क्योंकि मैं तो अपने कमरे में बिना तौलिया के नाचता हूँ. बताओ क्या पहनता हूँ? सूट. और आप? बाथरूम में कभी आपने डांस किया है? सर नहीं, मैं साड़ी में डांस करती हूँ. साड़ी में डांस करती हैं आप? वो फैन भी लगा होता है? फैन भी और बाल भी उड़ते हैं. उड़ते हैं? हाँ. अच्छी बात. जी हाँ. तो आपके पास 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब. परसेंट रणबीर और दीपिका और 15%. आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने कमरे में तौलिया पहनकर नाच चुके हैं. ऊपर एक्सपीरियंस ही बोल रहा था सर. मतलब आप दूसरों को देखते हैं? नहीं, खुद करता हूं. 36% लोग टॉवल पहनकर नाच चुके हैं कमरे में. और मैं आपको एक चीज भेंट करना चाह रहा हूं. ये ली. चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया.
तो स्कोर है 1-0. आपका अगला प्रश्न. अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के अलावा किसी और देश के खिलाफ खेल रही हो तो कितने प्रतिशत भारतीय उसका पक्ष लेंगे? आपको क्या लगता है? I would say 0%. पर हम इंडियंस इंडिया के बारे में बात करें कि इंडियंस लेंगे पाकिस्तान नहीं, नहीं, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के अलावा अगर इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रही है तो कितने प्रतिशत भारतीय उसका पक्ष लेंगे? जैसे कि जो वहाँ के क्रिकेटर्स हैं जितने चाहे जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो शायद वहाँ पे भी उनका इतना फैन फॉलोइंग नहीं होगा. और अगर सोचो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका अगर एक होते और टीम क्रिकेट टीम एक होती तो 75% लोगों को खेलने का मौका ही नहीं मिलता. सही बात है. आपके पास है 10 सेकेंड. 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब. रणबीर 15%, दीपिका 43%. आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय पाकिस्तान की टीम का पक्ष लेंगे अगर वो किसी और मुल्क के साथ खेल रहे हैं तो. आप ये पॉइंट जीत गई.